वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज मैं आपको राजमा आलू चाट बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये चाट काफ़ी टेस्टी है, और टेस्टी होने के साथ साथ ये एक हेल्दी फूड भी है। तो चलिए, देर किस बात की है, हम बनाते हैं राजमा आलू चाट। राजमा आलू चाट बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो इस प्रकार है। ये बॉयल किए हुए आलू हैं, ये करीब 8 से 10 आलू हैं। इधर ये राजमा है एक बोल, इसको मैंने रात में ही भिगो लिया था और साफ करके उबाल के रख लिया है। ये 2 टमाटर हैं छोटे पीस में कटे हुए। ये चाट मसाला है करीब 1 चम्मच। ये कटी हुई धनिया की पत्ती है। ये मीठी चटनी है। ये कटे हुए प्याज हैं, 2 प्याज लिए हैं मैंने, बारीक काट लिया है। और ये सेव नमकीन है, एक बोल लिया है मैंने। और ये नमक है करीब 2 चम्मच। ये रिफाइंड ऑयल है। ये मसाले हैं हमारे, करीब 1/2 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी है, और ये 1 कटा हुआ हरी मिर्च है। ये जीरा नमक पाउडर है, भुना हुआ जीरा नमक पाउडर है ये। मीठी चटनी की रेसिपी आपको हमारे भपौरी चाट के वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अब हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा प्याज डालेंगे, हम प्याज आधी ही डालेंगे क्योंकि आधी प्याज अभी हम चाट को गार्निश करने के लिए रखेंगे। तब तक मैं आलूओं को छोटे पीस में काट लेती हूँ। हम इसमें कटे हुए आलूओं को डाल देंगे, नमक डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे। करीब 2-3 मिनट हमको इसको अच्छे से चलाना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारा आलू राजमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, अंदाज से इसमें नमक मिलाएंगे। गरम मसाला डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। दो मिनट फिर से हम इसे चलाएंगे। इसमें धनिया डालेंगे और इसको हम चला के अच्छे से सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये मीठी चटनी डालेंगे। ये कटी हुई प्याज डालेंगे। ये थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। ये जीरा नमक डालेंगे। अब हम ये नमकीन सेव डाल देंगे इसके ऊपर से, और ये कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। ये हमारी राजमा आलू की चाट तैयार है। ये खाने में बहुत ही चटपटी है, टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। इसमें
आप जो है इसको चाय के साथ खा सकते हैं, और चाहें तो आप पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।